वेल दिस टॉपिक ये उसी की कंटिन्यूएशन में है आ, पिछले आ, जो मॉड्यूल्स हमने जिक्र किया तो दिस इज नाउ इन बर्ड्स दैट इज़ हाउर्ड्सूलेट द बॉडी टेम्परेचर दे आर दुमाथर्म्स या होम्योथर्म्स या वी आल्सो एंडोथर्म्स भी कहते हैं यानी कि ये वो एनिमल्स है विच मेनटेन दे कीप देर बॉडी टेम्परेचर द सेम in all the types of environments or uh, yes ye winter may or uh, summer dono they can they have the ability they have the adaptations to maintain their body temperature so birds or mammals so you sitara uh, yes we kiya hai, ki birds like mammals are the most active and behaviorally complex vertebrates behaviorally complex vertebrates दे कैन लिव इन हैबिटेट्स ऑल ओवर दी अर्थ और ये हर किस्म की हैबिटैट में रह सकते हैं ये पोलर रीजन में भी यू कैन सेन दिनि दे कैन लिव और uh, इसी तरह फिर बहुत ही uh, बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट में पानियों में रहते हैं और uh, फिर माइग्रेट भी करते हैं आपको पता है तो समंदर के ऊपर तो ये तो हमायोथर्मिक

नोवेरियस और ये इन एनिमल्स के अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे हम इस डायग्राम्स में देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा पाउच सा बना बनता है इनकी इनके के थ्रोट में और इन पाउचस को हम गुलर पाउच कहते हैं और ये जब उन्होंने हीट को रेडिएट करना होता है हीट को रेडिएट करना होता है और ख़ास तौर पर बहुत ही वार्म कंडीशन में या समर uh, में तो ये इस तरह का एक, uh, एक बैलून सा होता है और उसके ऊपर फिर और यही बैलून जो है दैट द इवेपोरेटिव सर्फेस और ये कूलिंग इफेक्ट उन्हें मिलता है या फिर कुछ बर्ड्स होते हैं ये हाँपते हैं पेंटिंग करते हैं और वो क्योंकि इन एनिमल्स के अंदर बर्ड्स के अंदर स्वेट ग्लैंड एज सच नहीं है कि जिससे स्किन जो है वो बहुत ही मॉइस्ट हो जाए और वो स्वेटिंग हो जाए और वो कूलिंग हो जाए लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बर्ड्स के अंदर ये पेंटिंग का जो एक बिहेवियर है दे आ, वो जैसे हाम्परा कहते हैं मुंह खोल के तो वो ब्लड सर्कुलेशन द माउथ वो ज्यादा हो जाती है और इस तरह वो हीट को रेडिएट करते हैं सम बर्ड्स खास तौर पे विंटर में अब क्या है विंटर में उन बॉडी के ऊपर फैदर्स हैं दे इनफैक्ट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ब्लड जो है वो उनकी सर्कुलेशन स्किन में रिलेटिवली कम हो जाती है और साथ ही साथ उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे इस तरह डाउनी फैदस हैं जो कि बहुत डेलीकेट फैदस हैं ये फ्लफी फैदर्स हैं वो बायदा जो बर्ड है वो विंटर में वो आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो हैं वो विंटर में मोटे मोटे लगते हैं और इसकी वजह यही है कि वो फैदर्स जो हैं उनको ज़्यादा सा फूल जाते हैं और एक किस्म का बॉडी के इर्द गिर्द एक वार्म ब्लैंकेट सा डेवलप हो जाता है और जिसकी वजह से हीट रेडिएशन नहीं होती एंड दिस इज हाउ दे मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इन विंटर तो ये यही फैदस हैं जो कि एंट्रैप कर देते हैं दैट इज़ हीट को हीट को एंट्रैप कर लेते हैं और जिस, जिस तरह एक इंसान इन, भी सर्दियों में ये ब्लैंकेट वो इस्तेमाल करता है या क्विल्ट्स यह करता है इस्तेमाल वो इसलिए ताकि या फिर ऊनी कपड़े इस्तेमाल करता है तो वो इसलिए ताकि स्पेसिस हैं उनके अंदर और ये स्पेसिस आर फिल्ड अप विद एयर तो दे है एक स्पीशीज क्या करती हैं ये वो बर्ड्स जो के आमतौर पे पानी में रहते या कोल्ड वाटर्स में रहते तो उनके अंदर उनकी लेग्स के अंदर उनकी फीट के अंदर ये बायदा काउंटर करंट एक्सचेंजर है तो ब्लड जो है वो बॉडी से यहाँ पे बॉडी की तरफ आता है और आ, और यहाँ पे देर इज नो लॉस इनफैक्ट ऑफ हीट ये जो भी जनरेट होती है एज रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो वो रेडिएट नहीं हो रही और बल्कि इट मूव्स बैक थ्रू दी देंस टू द आर्टरीज़ और uh, तरह हीट जो है वो बिल्कुल कंजर्व रहती है और इस तरह ये बर्ड्स जो हैं दे कैन दे कैन दे हैव एबिलिटी दिस एन ऑफ़ द बर्ड्स द आर्टरीज़ दे कैरी ब्लड डाउन द लेग्स टू वार्म द कूलर ब्लड इन बेंस सो दैट द हीट इज कैरीड बैक टू द बॉडी रादर दैन लॉस्ट